गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ कीपिंग क्वाइट. ऑन दैट डे येस्टरडे वी रेड द सेकेंड स्टैंजा एंड नाउ लेट अस हैव एन आई ऑन व्हाट वर द पोएटिक डिवाइसेस दैट वी यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा. फर्स्ट इज लैंग्वेज. आई टोल्ड यू ऑन दैट डे ऑल्सो दैट लैंग्वेज हियर स्टैंड्स फॉर डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रेसेस. Because language separates us on the basis of culture or race. So the use of language is an instance of metonymy, which is a symbol or sign used for things signified. किसी भी चीज़ को signify करने के लिए जब हम किसी word को use करते हैं उस instance को बोला जाता है metonymy. तो इधर language, the poetic device in the word language is metonymy. Then next is arms. Arms is what here? Instance of pun. Pun, what is pun now? Pun में duplicity of sense is created. कि हम कोई word, poet कोई word use करता है लेकिन उसमें वो उसी exact उसी के meaning से relate नहीं करता. Like here the word is used arm. Arm otherwise refers to a weapon. But the poet here referred to one of the body parts. जैसे मैंने आपको बताया था that it can be that you're using your hands for you for seeing your mobile phone or you know writing with the pen or just playing with the pen. तो कुछ भी आप अपने हैंड से भी कर रहा है एक simple human being, so that would be referred to as using the arm. So here arm has been used, that is the duplicity of a body part, that is hand. So arm is a pun here. And sudden strangeness, I have already told you, sudden strangeness, the repetition of the syllable S, so that is alliteration. Now let us proceed towards the third stanza. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. What he wants to say here, that fishermen in the cold sea, what does fishermen refer to? Fisherman refers to somebody who is oppressing someone. कोई ऐसा person जो किसी को भी harm पहुँचा रहा है. Fisherman is just a, you know, any noun given. सिर्फ एक person के लिए उसने fisherman का use किया है. लेकिन fisherman हर उस इंसान के लिए को symbolize करता है जो अपने selfish interests के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो किसी को भी हार्म कर सकता है. आई हैव टू गो अप, मैं इसको भी धकेल दूँ, मैं उसको भी धकेल दूँ. तो हर वो इंसान जो दूसरों को चोट पहुँचाता है, इट कैन बी एनिमल्स, इट कैन बी नेचर, इट कैन बी एनीथिंग. अब फिशरमैन कोल्ड सी में उस टाइम वेल्स को इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म. तो एक ऐसा मोमेंट, व्हाट डज द पोइट से? पोइट सेज अस टू कीप क्वाइट. क्यों वो कीप क्वाइट रहने के लिए बोलता है? सो दैट उस टाइम हम कुछ भी ना करें. दैट मीन्स वो एक ऐसा टाइम आएगा, वो एक ऐसा टाइम होगा व्हेन नोबडी इज़ गोइंग टू थिंक इल ऑफ एनीबडी, नोबडी इज़ गोइंग टू डू इल टू एनीबडी, नोबडी इज़ गोइंग टू हार्म एनीबडी. तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, क्योंकि वो आराम से बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो द मैन गैदरिंग सॉल्ट. अब फॉर 5 मिनट्स ओनली एक बार अपने हाथों को नमक वाले पानी में घर में रख के देखना, दैट आपके हैंड्स कैसे हो जाते हैं. वॉट अबाउट द पीपल हु एक्चुअली यू नो गैदर सॉल्ट, जिनका ऑक्यूपेशन ही यही है कि वो सॉल्ट को गैदर करता है, कैसे उनके हाथ हो जाएंगे? सो हियर इट रेफर्स टू दोज पीपल जो एक सेकेंड रुक के ये सोचते ही नहीं है कि हम इस भेड़चाल में चले जा रहे हैं. वी आर जस्ट वॉकिंग इन अ मैड रैट रेस. वी डू नॉट इवन स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड थिंक वॉट हार्म आर वी गोइंग टू आर डूइंग टू आर सेल्स. अभी हमने फिशरमैन की बात की कि वो दूसरों को हार्म पहुंचा रहा है, वो नेचर को हार्म पहुंचा रहा है, वो फिश को मार रहा है. लेकिन यहाँ पर द मैन गैदरिंग सॉल्ट ही इज़ सो मच ऑक्यूपाइड इन हिज ओन वर्क कि उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने आप को कितना हार्म पहुँचा रहा है. सो इन दिस स्टैंजा दे आर सिम्बोलिज्म ऑफ वॉट? द फिशरमैन इज सिम्बोलिज्म सिम्बलाइजेज एनी बडी हु हार्म्स अदर्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट सिम्बलाइजेज एवरी सच पर्सन
who is so preoccupied that they do not have the time to look at what harm do they cause to themselves. So here the poet gives example of whales, which are being hunted for the purpose of food, and he also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. For this, he gives the example of man who gathers salt whose hands are hurt, and he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining materialistic things. अब वो जरूरी नहीं है कि फिजिकली वो हैंड्स को ही हर्ट कर रहा है, ही इज इवन हर्टिंग हिज रिलेशनशिप्स. कभी कभी मटीरियलिस्टिक थिंग्स को अचीव करने के लिए हमें नहीं पता है कि हम अपने कितने सारे रिलेशनशिप्स को दांव पे लगा देते हैं. सो द पोइट इज टॉकिंग अबाउट एवरी सच थिंग. नाउ लेट अस मूव टू द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस पैराग्राफ. हिज हर्ट हैंड्स, वॉट इज दिस अगेन? एच 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 इज रिपीटिंग, कैन यू सी हियर? So this is an instance of alliteration. Then symbolism. Symbolism is abundant in keeping quiet. Fisherman and whale stand for the oppressor and oppressed. एक तो oppress कर रहा है, that is oppressor, और दूसरा oppress हो रहा है, that is oppressed. So oppressor is fisherman and oppressed is whale. Salt gatherer is a symbolic of humanity. Then I hope you all have understood the third stanza, and if you have not, you can write your doubts in the comment section. Then comes the fourth stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Now what does the poet want to say here? That those who prepare green wars, what are green wars? Okay, anybody who can tell me what is green wars, write your answer in the comment section. Green wars, as the name suggests, refers to anything that is done against nature. कुछ भी हम ऐसा करते हैं जो नेचर के अगेंस्ट हो. हम डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं. इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं दैट हाउ द नेचर इज बींग डिस्ट्रॉयड. सो दैट इज ग्रीन वॉर्स. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. वट डज वॉर्स विद गैस और वॉर्स विद फायर रेफर टू? वट डज इट रेफर टू? एनी केमिकल, एनी वॉर दैट इज यू दैट इज प्रिपेयर यूजिंग द, येस, एनी थिंग दैट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल्स और यूजिंग द, लाइक हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज वॉर्स विद फायर एंड वॉर्स विद गैस. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वॉर्स हैं जो हम कर रहे हैं, जो वायलेंस है जो क्रिएट हो रहा है एटमोसफियर में, द वॉर्स आर देयर बट एवरीबडी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बाय दीज वॉर्स. ये क्या करते हैं? दे ओनली कॉज डिस्ट्रक्शन. सो विक्ट्री तो शायद हम हासिल कर लेंगे, जीत तो शायद हम जाएंगे, लेकिन जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होगा बिकॉज इट विल ओनली कॉज डिस्ट्रक्शन. तो पोएट, व्हाट डज द पोएट से? पोएट आस्क्स एवरीवन टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट. टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग एनवायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, लेटिंग केमिकल वेस्ट इन टू रिवर. तो पोएट, वॉट डज द पोएट आस्क? द पोएट आस्क नॉट टू डू सो. एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर्स एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव. जिसमें कोई सेलिब्रेट करने के लिए ही नहीं रहेगा, वाई टू गो फॉर सच अ थिंग? And he says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. Then what does he say? Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Kaun aisa karega? Who is going to do this? This is done by those. Ab yahan pe wo those kaun hai? Who is those here? Those is anyone who is involved in this type of war. It can be the warmongers, जिन्हें हम बोलते हैं
the politicians, scientists, statesmen who start and develop wars in order to satisfy their need for dominance. So those refers to it. So he says, no, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes. What does clean cloth here refer to? Clean cloth refers to changed perspective. ऐसा नहीं है कि कपड़े बदल लेना. यहाँ पे क्या है? सोच बदलो, सोच बदलना. Clean clothes refers to changed perspective or the modified behavior of those who engage in war. And they would walk about their brothers in the shade doing nothing. और वो क्या करेंगे? Because when they are not thinking about anything that leads to destruction, तो ultimately it would be what? That they are thinking others as their brothers, which again refers to universal brotherhood, which is the central theme of this poem. So rather those people, they should adopt a new approach towards life and mankind. And he says that you should treat your enemy like brothers and promote harmony and peace in the world. Now let us have a look at the figures of speech and keywords in this stanza. Wars with gas and wars with fire. What is this? This is an instance of palilogia. Palilogia kya hota hai? Repetition of same word in a line or sentence. Abhi jab humne alliteration kiya tha, that is repetition of a syllable. And this is the repetition of same word. Ek hi sentence mein ek word jab repeat hota hai, that is called as palilogia. Wars here occurs twice. Next is victory with no survivors. Ye kya hai? This is a paradox. People who win a war claim to possess victory, but is that so? Paradox hai ye statement. Kyun? Kyunki log war pe jaate hain, you know, they fight a war thinking that they are going to win. Lekin kya sach mein aisa hota hai ki wo usko win karte hain? या फिर सच में वो सेलिब्रेट कर पाते हैं उस विक्ट्री को? सो दिस सेंटेंस इज अ पैराडॉक्स. क्लीन क्लोथ्स सिंबलाइजेस पीस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनको अपना बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई करना है. वॉट एवर दे आर थिंकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट हार्मनी एंड पीस. सो इट सिंबलाइजेस पीस. सो गाइज, दिस इज इनफ फॉर टुडे. टुमारो वी आर गोइंग टू start further. Okay, bye-bye.